टीवी चैनल्स का जमाना चला गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लॉकडाउन में 30% से भी ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ गए। जानते सब कुछ। तो भारत समेत दुनिया भर में मनोरंजन के तौर तरीके बदल रहे हैं। फैमिली एंटरटेन के बजाय अब ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज जो है वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रही है। रेडसियर के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से जुलाई 2020 में भारत में ओटीटी सेक्टर में जो पेड सब्सक्राइब होते हैं ना, उनमें 30% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी मार्च में जो 2.2 करोड़ जो पेड सब्सक्राइबर थे वो जुलाई आते तक लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गए। लॉकडाउन में टीवी चैनल्स के प्रोग्राम भी नहीं बने, थिएटर भी बंद रहे थे, नई फिल्में जो रिलीज होना चाहती थी वो भी टल रही थी। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म ही लोगों के लिए एक ऐसा एंटरटेनमेंट का जरिया बना होता। और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जो रीजनल कंटेंट लेकर आए थे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला था। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में 50% से भी ज्यादा ओवरऑल स्ट्रीमिंग हिंदी भाषा के कंटेंट पर ही हो रही थी। तब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज देखने वाला जो बड़ा ऑडियंस का हिस्सा था वो महानगरों में होता था, पर लॉकडाउन की हालात की वजह से और बढ़ते रीजनल कंटेंट की वजह से अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो छोटों, गांवों, कस्बों, शहरों में ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। जब हम भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता की बात करते हैं तो वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स के साथ जी फाई, सोनी लिव बहुत ही पहले नाम पर आते हैं। उसके बाद एमएक्स प्लेयर, उल्लू, अल्ट बालाजी, हंगामा प्ले जैसे जो कई अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत ही अलग अलग तरह का कंटेंट लोगों को दे रहे हैं। उसी के साथ डिस्कवरी प्लस जैसे स्पेशल कंटेंट देने वाले प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद है। और इसके बाद भी एक क्रिकेट और बॉलीवुड पर ये सब भारी पड़ गए। लॉकडाउन के दौरान फिल्में तो रिलीज होना बंद ही हो गई थी, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मल्टीप्लेक्स के नाम से बिग बजट फिल्मों को ओटीटी पे उतारना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूसी ने अक्टूबर में ही मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आउटलुक 2020 का रिपोर्ट जारी किया था। उसमें कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का जो ओटीटी मार्केट है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा ओटीटी मार्केट बन भी चुका होगा। सालाना करीब करीब 29% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है ये मार्केट, और 4 साल में रेवेन्यू करीब करीब $3 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और अन्य ओटीटी सर्विसेज ने पिछले साल भर में भी निवेश भी बढ़ाया है। इसका ही नतीजा ओटीटी रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड SVOD का हिस्सा बढ़कर 93% हो गया है और दुनिया में यह आंकड़ा सिर्फ 87% है। अगले 2 साल में सीधे सीधे पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वो ओटीटी के रेवेन्यू से पीछे छूटने वाला है। इतना ही नहीं, पारंपरिक टीवी को भी ओटीटी होने के फायदे का बड़ा हर्जाना चुकाना भी हो सकता है। 2024 तक टीवी की सालाना जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में होने के भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो यही था आज का ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।